यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं देश की आवाज। हरियाणा में 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एक बार फिर मुद्दा भ्रष्टाचार का है। जी हां, हरियाणा में 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस पर एक बार फिर से आरोप लगा है। आरोप है कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में कुल 64 खिलाड़ियों को नौकरी दी, वो भी बिना विज्ञापन निकाले, बिना कोई विशेष पैमाने को तैयार किए ये नौकरियां दी गई। आपको बता दें कि पुलिस में नौकरियां पाने वालों में 20 DSP, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, जिन्हें नौकरियां सीधे दी गई। तो मौजूदा बीजेपी सरकार ने जब मामले की जानकारी जुटाई तो 64 खिलाड़ियों की भर्ती का खुलासा हुआ। माना जा रहा है कि अब इन खिलाड़ियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि खेल विभाग की ओर से एक महीने पहले पुलिस महकमे को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें इन 64 खिलाड़ियों का नाम के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया और योग्यता के बारे में पूछा गया, लेकिन पुलिस महकमे ने इसकी कोई जानकारी खेल विभाग को नहीं दी। हालांकि सरकार ने योगेश्वर दत्त और विजेंद्र सिंह को DSP बनाना उचित बताया, क्योंकि इन दोनों ने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि अगर पुलिस विभाग पत्र में लिखी जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई तो CBI या अन्य किसी एजेंसी से मामले की जांच करवाई जा सकती है। ऐसे में देश की आवाज में आज के जो सवाल हैं उन पर भी अब एक नजर डाल लेते हैं। तो देश की आवाज में आज के जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल यही कि बिना विज्ञापन के भर्तियां क्यों की गई। सबसे बड़ा सवाल, बिना विज्ञापन निकाले क्यों भर्तियां की गई, नियमों की अनदेखी कर खिलाड़ियों को क्यों नौकरियां दी गई हैं। दूसरा बड़ा सवाल, साथ ही सवाल ये भी कि क्यों नियमों को ताक पर रखकर 64 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई, कैसे 20 DSP, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर बनाए गए, ये भी सवाल पूछा गया। और साथ ही भर्ती के लिए विशेष पैमाना क्यों नहीं किया गया है तैयार, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इसी तरह कांग्रेस राज में होती रही हैं भर्तियां, बड़ा सवाल ये उठ रहा है। और इसी पर आप हमें राय दीजिए, फोन कीजिए, नंबर्स लगातार आपकी TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए। देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है और हमारे साथ पहले दर्शक गौरव करनाल से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका गौरव, बात रखिए अपनी। चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए गौरव। और आप सभी दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। देश के आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए, अपनी आवाज उठाएं और हमें बताएं क्या आपको लगता है कि इस तरह से नौकरियां देना सही है, क्या बिना विज्ञापन के नौकरियां देना सही है, क्योंकि जो नियम है वो तो कहते हैं कि इस तरह से नौकरी नहीं दी जा सकती है। बिना विज्ञापन की नौकरी जो दी गई, जो भर्तियां की गई वो सही नहीं है। नियमों की अनदेखी कर खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई हैं, नियमों को ताक पर रखकर खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और हमारे साथ राम हिसार से दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका राम, बात रखिए अपनी। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, जो ये खबर चल रही है आपकी, जी मैम, ये जो है ना, ये जो हरियाणा सरकार के जो कारनामे है ना, कि इनका जो आज स्पाई कर्मचारियों का जो मुद्दा चल रहा हुआ है, जो खेल बोल, जो खेल नीति है, कोई कुछ नहीं है इनका, बस इनका इनका जो कांग्रेस का जो जन्म है सिर्फ भ्रष्टाचार पे हुआ है। और सिर्फ इन्होंने सिर्फ अपना जो है भाई अपनी बाबाई बटोरने के लिए जो है ये कार्य करते हैं। तो ये जो है मैम, अब जो है जितने लोगों जिन्होंने अगर अच्छी पॉलिसी होती है, खेल पॉलिसी अच्छी होती है, तो ये ज्यादा जो अब पंगा पड़ने वाला है ये पंगा नहीं पड़ता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। नारंग हमारे साथ रोहतक से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका नारंग, बात रखिए अपनी। नारंग आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, हाँ जी, जी नारंग बात रखिए अपनी। ऐसे है जी, कांग्रेस के राज में तो होता ही यही था, उन्होंने सीखा ही यही है। हाँ जी मिल रही है जी, कांग्रेस के राज में तो होता ही यही था, मतलब क्यों इनको तो और कुछ आता ही नहीं जी। सदा राज किया है इन्होंने, तो अब ईमानदारी का राज आया है तो इनसे देखा नहीं जा रहा।
अब ये सड़कों पे धन फेंकवा रहे हैं, जैसे आग लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये सारा कांग्रेस ही कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है जी। चलिए तो अब बिल्कुल ईमानदारी से नौकरियां लग रही हैं, जैसे जिसकी मतलब कॉर्पोरेशन होती है, जैसे जिसकी पढ़ाई होती है उसी के बेस पे लग रही है, इनसे देखा नहीं जा रहा जी। क्यों, पहले तो फोन किया, हाँ जी हमारा लड़का आ रहा है जी वहाँ पर फलाने दफ्तर में आ रहा है, इनको बिठा दिया जाए, कोई कागज नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपने बात रखने के लिए। नारंग तो नारंग का कहना है कि कांग्रेस राज में घोटाले ही देखने को मिलते थे और इसी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिलता था, और अब ईमानदारी का राज आया है और ऐसे में कांग्रेस से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस जो है आए दिन धरने प्रदर्शनों को समर्थन देती रहती है। ये बात नारंग की ओर से कही गई। आपको क्या कुछ लगता है, आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए, अपनी आवाज उठाइए, बताएं आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं कि आपको लगता है इस तरह से भर्तियां करना सही है, भर्तियों के लिए विशेष पैमाना क्यों तैयार नहीं किया गया, बड़ा सवाल है। और साथ ही सवाल ये भी कि क्या इसी तरह से कांग्रेस राज में भर्तियां होती रही हैं, क्योंकि 64 भर्तियां जो हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, 64 भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, जो डीएसपी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद पर ये भर्तियां की गई और इस पर सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नियमों को की अनदेखी की गई, क्यों नियमों को ताक पर रख कर 64 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई। हालांकि अभी नौकरी जो है वो लगातार नौकरियों की मांग जो है वो खिलाड़ियों की ओर से की जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें, हुड्डा राज की बात करें, तो 64 जो है खिलाड़ियों को जो नौकरियां दी गई वो नियमों को ताक पर रख कर दी गई, जिसमें डीएसपी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं और बिना विज्ञापन के ये भर्तियां हुई हैं। हालांकि इसकी वजह से जो बिना किसी नियम के तहत ये भर्तियां की गई, हालांकि इसको घोटाला एक तरह से कहा जा रहा है, और अगर ये वाकई में घोटाला हुआ था तो फिर जो जायज खिलाड़ी थे जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। प्रहलाद हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर हैं, अगले दर्शक स्वागत है आपका, प्रहलाद बात रखिए अपनी। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। जो आपने ये विषय उठाया ये बहुत अच्छी बात है, ये तो आप मैडम मैं इससे राय देना चाहता हूँ, ये तो पिछली सरकारों ने जो बिना विज्ञापन दी हुई भर्ती निकाली है, लेकिन कुछ विभाग तो ऐसे है जो बगैर किए हुए भी तनख्वाह ले रहे हैं, एक एक महीने की इकट्ठी हाजिरी लगा देते हैं, तनख्वाह उठाते हैं और उनकी ना कोई वैकेंसी निकली। जैसे छोटे छोटे विभाग में रोडवेज में डिपो के अंदर है, छोटे छोटे बैंकों के अंदर है, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर है, फोर्थ क्लास की पोस्ट में ऐसी की ऐसी जिनकी सीधी भर्ती की गई है मैडम जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपने बात रखने के लिए प्रहलाद। तो प्रहलाद का कहना है कि यहाँ तो बिना विज्ञापन के नौकरी जो है वो दी गई है, भर्ती की गई है, लेकिन कई तो जगह ऐसी है जहां पर बिना किसी सेवाओं के महीने की तनख्वाह जो है वो दी जा रही है। उदय हमारे साथ कैथल से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका, उदय बात रखिए अपनी। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार। पहले तो जो कल आप मैंने बात उठाई थी भी सफाई अभियान अब भी क्यों नहीं चल सकता, आज मैंने खबरों में देखा कई जगह सफाई अभियान चला रखे इन्होंने कर्मचारी लगाकर। जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी शुक्रिया। और दूसरी बात आप जो कह रहे हो 20 डीएसपी या इंस्पेक्टर जो लगाए हैं, जी क्या जो विदेशों में पहले पैसे थोड़े मिलते थे, नौकरी का लालच ज्यादा था, अब इन्होंने नौकरी देने की मनाही कर रखी है, पैसे ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, बात तो वहीं पर गई। तो जो भ्रष्टाचार कांग्रेस में होता था भ्रष्टाचार बीजेपी में भी है। मैंने एक डीसी के खिलाफ चंद्रशेखर तत्कालीन कैथल का था, जो कैथल 2012-13 में था, उन्होंने दो दो रिपोर्ट बनाकर दोषियों को छोड़ दिया था जी। और उसकी कंप्लेंट सीएम को, पीएम को और समेत भाई ने मनोहर लाल खट्टर कैथल नरसिंह डांडा का प्रोग्राम उधर था कैथल में, रुकिया भी था रात को और बाई ने कागज भी दिए थे। अभी तक छोटे कर्मचारियों पे तो कार्रवाई हो जाती है, डीसी पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जिसकी स्टेट विजिलेंस को भी दे चुका हूँ, सीआईडी को भी दे चुका हूँ, और अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर 15 दिन में कार्रवाई करी तो ठीक है, नहीं तो एक लोकायुक्त बतरिया मैं लोकायुक्त में भी जाऊंगा। 11-532 सीएम विंडो में दरखास्त दी थी मैंने जी।
अभी तक मैंने तो कांग्रेस भी ऐसी लगी भ्रष्टाचार में और बीजेपी भी ऐसी। चलिए बहुत शुक्रिया उदय अपनी बात रखने के लिए। तो दोनों ही सरकार को एक जैसा बता रहे हैं उदय कि बीजेपी भी ऐसी ही है जैसी कांग्रेस थी और सुनवाई पहले भी नहीं होती थी, सुनवाई अभी भी नहीं हो रही है। मुशायद हमारे साथ लखनऊ से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। थैंक यू सो मच। देखिए मेरा मानना यह है कि सरकार है जिसकी भी आए जाए, वो कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे जी, लेकिन कानूनन जो प्रणाली है जी, जो सिस्टम है उसके आधार पर भर्ती होनी चाहिए जी। दूसरा ये कि हम दोष देते हैं पिछली सरकार ने ये किया तो हम ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस ने ये किया तो हम ये करेंगे। कानूनन प्रणाली जो भर्ती है, अभी आपने बताया कि भाई इंस्पेक्टर हैं उनकी भर्तियां हो रही हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हो रही हैं, इसमें जो प्रक्रिया के आधार पर सारी चीजें होनी चाहिए, विज्ञापन निकलना चाहिए जी। उसके आधार पर जो लोग आमंत्रित किए जाते हैं उनके इंटरव्यू या उनकी जो भी प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से एसआई बने या डीएसपी बने या इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बने, ठीक है। अब इसमें जैसे विज्ञापन नहीं निकाला गया, किसी को बताया नहीं गया, ये सार्वजनिक पोस्ट है, सार्वजनिक है, सबके लिए है, जनता के लिए है, ठीक है, तो इसका विज्ञापन निकलना चाहिए और इस पर कोई आधारहीन बात नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, उसके आधार पर भर्तियां होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। जो लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग काबिल लोग हैं उनको, उन जो टैलेंटेड लोग हैं उनको उनको भर्ती उनकी भर्ती होनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया मुशाहिद अपनी बात रखने के लिए। तो सही कहा कि चाहे सरकारें कोई भी आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, लेकिन जो नियम कायदे कानून हैं कम से कम वो तो बरकरार जो है रखने ही चाहिए, सभी की जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे में यहाँ पर जो हुड्डा सरकार में जो 10 साल का हुड्डा सरकार का कार्यकाल रहा, उस दौरान जो नियमों को ताक पर रख कर जो नौकरियां दी गई हैं वाकई में गलत है। बिना किसी विज्ञापन के भर्तियां की गई, नियमों की अनदेखी की गई, खिलाड़ियों को नौकरियां जो दी गई नियमों की अनदेखी कर नौकरियां दी गई। और ऐसे में आपको बता दें कि करीब 64 खिलाड़ियों की नौकरी जो है ऐसे ही दी गई है, करीब 64 खिलाड़ियों को ऐसी ही नौकरियां दी गई हैं जिसमें 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर और 25 सब इंस्पेक्टर जो हैं बनाए गए थे। भर्तियों के लिए विशेष पैमाना जो है वो कोई तैयार नहीं किया गया, कोई जो है क्राइटेरिया तैयार नहीं किया गया। कांग्रेस के राज में क्या ऐसे ही भर्तियां होती रही हैं, ये बड़ा सवाल, क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं भर्तियों में गड़बड़ियां जो सामने आ रही हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिना विज्ञापन के भर्तियां दी गई और ऐसे में क्या कांग्रेस राज में इसी तरह से भर्तियाँ होती रही हैं, ये सवाल है जो पूछा जा रहा है, बड़ा सवाल है। और ऐसे में हालाँकि आपको बता दें कि 2 भर्तियाँ जो हैं वो जायज़ मानी गई हैं, लेकिन इसके अलावा सभी भर्तियों में गड़बड़ी जो है वो सामने आई है। हरियाणा में 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और एक बार फिर से मुद्दा भ्रष्टाचार का उठ रहा है, जो कि कांग्रेस राज में भी उठा था और अब राज खत्म होने के बाद भी मुद्दा भ्रष्टाचार का उठ रहा है। हरियाणा में 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस पर एक बार फिर से आरोप है। आरोप यह है कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में कुल 64 खिलाड़ियों को नौकरी दी, वो भी बिना विज्ञापन निकाले, बिना कोई विशेष पैमाने को तैयार किए ये नौकरियां दी गई हैं। आपको बता दें कि पुलिस में नौकरियां पाने वालों में 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, जिन्हें नौकरियां सीधे दी गई हैं, जिन पर सवाल अब उठ रहे हैं। ऐसी 64 भर्तियां रही जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे नियमों को ताक पर रख कर ये नौकरियां दी गई हैं, क्यों भर्तियों में इतनी बड़ी गड़बड़ियां जो हैं वो की गई हैं। बीजेपी सरकार ने जब मामले की जांच जुटाई, जानकारी जुटाई, तो 64 खिलाड़ियों की भर्तियों का ऐसा खुलासा हुआ है, माना जा रहा है कि अब इन खिलाड़ियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि खेल विभाग की ओर से 1 महीने पहले पुलिस महकमे को चिट्ठी लिखी गई जिसमें इन 64 खिलाड़ियों का नाम के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया और योग्यता के बारे में भी पूछा गया, आखिर किस भर्ती प्रक्रिया के तहत उन्हें ये नौकरी दी गई, उनकी योग्यता क्या है और जो पद उन्हें दिया गया है, अगर डीएसपी का, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर का पद है, क्या वो ये पद जो है डिजर्व करते हैं,
क्या उनसे बेहतर और विकल्प जो है वो सरकार के पास नहीं थे, लेकिन पुलिस महकमे ने इसकी कोई जानकारी खेल विभाग को अभी तक नहीं दी है। हालांकि सरकार ने योगेश्वर दत्त और विजेंद्र सिंह को डीएसपी बनाना उचित तो बताया क्योंकि इन दोनों ने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि अगर पुलिस विभाग की ओर से इस पत्र में लिखी गई जानकारी जो मांगी गई है वो नहीं उपलब्ध करवाई जाती है तो सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी से मामले की जांच करवाई जा सकती है। तो बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर बिना विज्ञापन के क्यों भर्तियां दी गई। आज के जो सवाल उठ रहे हैं देश के आवाज के इस माध्यम से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर खिलाड़ियों को नौकरियां क्यों दी गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्यों नियमों को ताक पर रख कर 64 खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई। इसके अलावा सवाल ये भी कि कैसे 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही भर्तियों के लिए विशेष पैमाना क्यों तैयार नहीं किया गया, क्यों एक क्राइटेरिया तैयार नहीं किया गया, क्या इसी तरह से कांग्रेस राज में भर्तियां होती रही हैं, ये बड़े सवाल हैं जो आज खबरें अभी तक देश की आवाज के माध्यम से पूछ रहा है। आप सभी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ सकते हैं। और अक्षय कुमार सिरसा से हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका अक्षय कुमार, बात रखिए अपनी। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये नौकरियों के बारे में आपने अभी चलाया था, मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगा। जी हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि अंधा बांटे शेरनी घर घर को दे। तो ये आज की नहीं है मैडम, पिछले 20 सालों से जितनी भी सरकारें रही हैं सब ने अपने चहते चहतों को डीएसपी क्या हर महकमे के अंदर ऐसी हो रही है नौकरी दे रखी है जी। तो ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले 20 सालों में अब भी हो रहा है बीजेपी के अंदर भी। ये नहीं भी बीजेपी की सरकार की दूध की धुली हुई है, सभी सरकारों ने अपने चहते चहतों को बगैर इंटरव्यू के, बगैर पेपर दिए हुए पैसे लेके, बगैर पुलिस की ट्रेनिंग, बगैर ट्रेनिंग दिए हुए भी उनको पास आउट कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत बड़े घपले हैं। चलिए बहुत शुक्रिया अक्षय अपनी बात रखने के लिए। तो अक्षय ने जिस तरह से कहा कि ये अब से नहीं बल्कि पहले से कई साल पहले से ऐसे होता आ रहा है, और साथ ही हर एक सरकार के राज में सिर्फ अपनों की नौकरियां जो हैं लगवाने का काम किया जाता है, किसी तरह से कोई भर्ती के लिए कोई विशेष पैमाना तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी पेपर दिए हुए, रिटन एग्जाम जो है क्लियर किए हुए सीधे नौकरियां जो हैं दी जाती हैं। और ऐसा ही जो हुआ बोहड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि भर्तियों में गड़बड़ियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर बनाए तो गए, खिलाड़ियों को नौकरियां तो दी गई, लेकिन नियमों को, कायदे कानून को सब ताक पर रखकर ये नौकरियां दी गई हैं। भर्तियों के लिए कोई विशेष पैमाना तैयार नहीं किया गया था। ऐसे ही भर्तियां कांग्रेस राज में होती रही हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है क्या यही तरीका जो है कांग्रेस राज में रहा है भर्ती देने का। बिना विज्ञापन के नौकरी क्यों दी गई, क्यों नहीं सभी खिलाड़ियों को जानकारी दी गई कि भर्ती जो है सरकार की ओर से की जा रही है, खिलाड़ियों के लिए भर्तियां जो है वो निकाली गई हैं, क्यों महज जो है बिना विज्ञापन के ये नौकरियां दी गई। करीब 64 खिलाड़ियों को नौकरी देने पर सवाल उठ रहे हैं, करीब 64 खिलाड़ियों की लिस्ट ऐसी है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इन खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई, क्योंकि कोई विशेष पैमाना तैयार नहीं किया गया था, बिना किसी पैमाने के ही ये नौकरियां दी गई। बड़ा सवाल ये कि क्या यही तरीका था कांग्रेस राज में भर्तियां देने का, कांग्रेस राज में क्या इसी तरह से बिना किसी कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए नौकरियां दी जाती थी, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता और साथ ही योगेश्वर दत्त की भर्ती को जो है सही बताया गया है क्योंकि वो ओलंपिक से मेडल जीत चुके हैं, लेकिन बाकी सबकी भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं। अमन हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर हैं, अगले दर्शक स्वागत है आपका, अमन बात रखिए अपनी। हेलो मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम ये जो आज चल रहा है ये खबर, मैम ये जो ना कांग्रेस के जो ऐसे ऐसे कारनामे, आकाश पताल, खेल पॉलिसी, ये कूड़ेदान पॉलिसी, भ्रष्टाचार की नीति तो इनकी इतनी फेमस है जिससे इनकी जो है 28 राज्यों से जो है सिर्फ 2 या 3 राज्यों में गवर्नमेंट बची है। मैम बिना इनके जो कारनामे हैं, बिना कोई पॉलिसी के, बिना कोई काम के ऐसे ही हवा में तीर चलाते हैं ये तो लगाओ। और मैम अभी की जो सरकार है चाहे कुछ भी हो, लेकिन खट्टर सरकार जो है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस से काम कर रही है। जी चलिए बहुत शुक्रिया अमन अपनी बात रखने के लिए। विजय पानीपत से हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, विजय बात रखिए अपनी। पानीपत से बोल रहा था ये। जी विजय बात रखिए अपनी। मैं ये रख रहा था कि टीवी में प्रोग्राम आ रहा था
तो ये बीजेपी वाले जितने भी हैं विपक्षी दल के मतलब सारे भ्रष्ट हैं, हैं? और ये सारे ईमानदार हैं, राजा हरिश्चंद हैं, ये हरिश्चंद तो नहीं हो सकते, ये अपने आदमियों के ऊपर सीबीआई क्यों नहीं लगवाते, बाकियों पर सीबीआई लगवाते हैं, हैं? और इनके तो बड़े से बड़े मगरमच्छ हैं जो भ्रष्ट हैं, इनके ऊपर गुजारों की लगाते हैं। चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ केवल ढिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका ढिंगरा साहब खबरें अभी तक पर। हाँ जी थैंक यू जी। जी ढिंगरा जी, 64 जो भर्तियां दी गई कांग्रेस कार्यकाल के दौरान, हुड्डा साहब के कार्यकाल के दौरान, उस पर सवाल उठ रहे हैं आज। हाँ जी बताएं क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? जो खिलाड़ियों को भर्तियां दी गई थी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान, 10 साल के कार्यकाल के दौरान पे 64 खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई, उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों नियमों को ताक पर रखकर ये नौकरियां दी गई, कोई विज्ञापन नहीं किया गया उससे पहले, और ऐसे ही बिना किसी नियमों को बनाए हुए कोई विशेष पैमाने की नौकरियां दी गई हैं। मैम आपको जो सवाल बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए तो पॉलिसी बनी थी खेल पॉलिसी, उसके अंदर कितने परसेंट लोगों को, खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान था? शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम नहीं है और ये समझते भी नहीं है कि, और सवाल उठाने के लिए ये 2 मिनट लगाते हैं। आप ये पूछिए इनसे कि कितने परसेंट खिलाड़ियों को नौकरियां देने का खेल जो विभाग है उनमें क्या प्रावधान जो सरकार की तरफ से किया गया था, ये हमारी तरफ से नहीं किया गया, ये पहले ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पे भी हुआ हुआ है कि 3% नौकरियां जो है खिलाड़ियों को दी जाएंगी, ये रूल है। और नहीं, नहीं, खिलाड़ियों को ढिंगरा जी खिलाड़ियों को नौकरियां तो दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए कोई एक विशेष पैमाना तो होता है, तरीका तो होता है, कोई विज्ञापन नहीं जारी किया गया और ऐसे ही खिलाड़ियों को नौकरियां दे दी गई जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं आप। विज्ञापन कौन सा, इसमें सिर्फ उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन वो मापदंड होता है, जिस बंदे ने कौन सा गोल्ड मेडल लिया, कौन सा सिल्वर मेडल लिया, कौन से राष्ट्रीय खेल से वो जीता, उसके अकॉर्डिंगली दिया गया, वो भी पॉलिसी के अंदर है। इनके इनको मालूम नहीं है, स्टैट पॉलिसी बनी थी उसके अंदर सारा प्रावधान था, इन्होंने उसको चेंज करके स्पीड कर दिया, जिसके अंदर आज भी खिलाड़ी जो है वो फड़कों फड़कों पे चक्कर काट रहे हैं, जिनके जिनको ना तो इनाम मिल रहा है ना उनको उसके हिसाब से नौकरी मिल रही है। आप ये देखिए कितना बड़ा धोखा कर रही है बीजेपी की सरकार। नहीं, सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्यों पारदर्शी तरीका नहीं था कांग्रेस राज में, अगर नौकरी दी गई तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने अपनों को नौकरी देने का काम किया गया, कोई पारदर्शी तरीके से नौकरी नहीं दी गई। खिलाड़ी अगर कोई गोल्ड मेडल जीत के आता है तो वो किसका अपना होता है, आप बताइए, बीजेपी का अपना? नहीं, फिर विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया गया था, विज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया था ताकि सभी खिलाड़ी जो है वो आवेदन कर सकते? मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, जितने आदमी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम थे और वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, उनका 3% कोटा जो है वो प्रावधान था उसके अंदर, इनको पॉलिसी पसंद नहीं आती मुझे लगता बीजेपी वालों को। आप कह रहे हैं कि पॉलिसी के तहत ही, नियमों के तहत ही हुआ लेकिन पारदर्शी तरीका नहीं था, ये जो है कहा जा रहा है, यही सवाल उठ रहे हैं। अब पारदर्शिता पे बात करें, आप ये बताएं कि इन्होंने, इनके पास कौन सी पारदर्शिता का पैमाना है? मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, जिस आदमी ने गोल्ड मेडल जीता उसके उसकी पॉलिसी के हिसाब से जो उसका पद बनना चाहिए वो उसको दिया गया, जिसका ब्रॉन्ज मेडल जीता उसके हिसाब से उसको दिया गया, जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल में जीता गया उसको दिया गया, जिसने स्टेट, जिसने कोई दूसरा उसके ऊपर खेल किया उसमें दिया गया, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली किया गया। अगर ये ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं तो ये कार्रवाई करें उनके ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर कार्रवाई कर ले, ये उनको निकाल दे। नहीं, अब तैयारी तो वही है ना, तैयारी तो वही है, चलिए निकाल दे उनको सरकार से, जिन खिलाड़ियों के साथ ये धोखा करना चाहते हैं ये करें उनके साथ धोखा जी, ये सरकार तो है ही धोखेबाज। चलिए बहुत शुक्रिया केवल ढिंगरा जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। अनिल हमारे साथ अंबाला से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका अनिल, बात रखे अपनी। अनिल आवाज मिल पा रही है आपको? अनिल आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप अनिल। और कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस तरह से कहा कि सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए जो है भर्तियां की गई थी, हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अब जो है एक्शन लिया जाएगा क्योंकि भर्तियों में गड़बड़ियां थी। हमारे साथ मनोज दर्शक पानीपत से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। नहीं, आप जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से जी? मनोज
हुड्डा कार्यकाल के दौरान में जो 10 साल प्रदेश में सत्ता में रही उसके दौरान भर्ती घोटाला हुआ, खिलाड़ियों को जो नौकरियां दी गई उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हुड्डा कार्यकाल में जी हुड्डा कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ तो वो सब बस अब सारी दर्शकों को या पूरी हरियाणा जनता को पता ही है जी। चलिए बहुत शुक्रिया मनोज अपनी बात रखने के लिए। तो हरियाणा में 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और इस बार भर्तियों को लेकर सवाल जो है उठ रहे हैं। नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका नागेंद्र सिंह नेगी, बात रखिए अपनी। वंशिका जी नमस्कार, नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सरकार घाट मंडी हिमाचल प्रदेश से जी। मैडम ये पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी जो शब्द है इनका तो मतलब ही अब जनता समझ रही है, इससे पहले तो मालूम ही नहीं था ये कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है जी। और इनकी फाइलें उनकी फाइलें ये खोल रहे हैं, इनकी फाइलें वो खोलेंगे। हमारे पहाड़ में कहावत है कि ग्राती ग्राट ये इन ग्राटे ए रहे पोना ये ग्राती बदले जाएंगे और आम आदमी जो है आटे में घून की तरह पिसता रहेगा। ये भी भाई भतीजा बात कर रहे हैं, वो भी भाई भतीजा बात करते थे, ये भी अपने आदमियों को लाने के लिए नए नए पॉलिसी बनाते हैं, वो भी ऐसा ही करते थे। तो ये मतलब व्यवस्था को बदलने की बात है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर आप समसामयिक घटनाओं के ऊपर जो है वो इस तरह की डिबेट करवा करके आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका नागेंद्र सिंह नेगी जुड़ने के लिए अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरह से कहा कि जो पारदर्शिता है इसका असल मतलब तो जनता अब समझ रही है, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो पुरानी सरकारों की फाइलें जो है खोलनी शुरू कर देती है, किस तरह से क्या क्या स्कैम्स हुए उनको जो है अब जनता के सामने लाने का काम किया जाता है। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहे हैं वो हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर उठ रहे हैं कि इस दौरान कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को जो नौकरियां दी गई यानी 20 डीएसपी और इसके साथ ही 15 इंस्पेक्टर और इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर को जो नौकरियां दी गई थी उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर ये भर्तियां की गई थी, नियम कायदे कानून जो हैं जिनका पालन होना चाहिए था उनका पालन नहीं किया गया, कोई पैमाना तैयार नहीं किया भर्ती से पहले और नियमों की अनदेखी कर खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई थी। सवाल यही कि क्या इसी तरह से हुड्डा कार्यकाल में नौकरियां होती थी, दी जाती थी भर्तियां और 64 खिलाड़ियों की नौकरी पर जो है सवाल उठ रहे हैं जिनको नियमों को ताक पर रखकर नौकरी दी गई, 20 डीएसपी 19 इंस्पेक्टर और 25 सब इंस्पेक्टर जो बनाए गए थे उनकी भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि भर्तियों के लिए विशेष पैमाना क्यों तैयार नहीं किया गया था, क्यों बिना विज्ञापन के नौकरियां दी गई, बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी तरह से कांग्रेस के राज में भर्तियां होती रही हैं, ये बड़े सवाल हैं जिन पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देश की आवाज का यह मंच आपके लिए खुला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी आवाज उठाएं, अपनी बात रखें और आप कोई सुझाव कोई राय अपनी रखना चाहते हैं तो आप जरूर फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए। देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला हुआ है और एक बार फिर से हुड्डा कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं। मुद्दा इस बार भ्रष्टाचार का है, हरियाणा में 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में कुल 64 खिलाड़ियों को नौकरी दी, वो भी बिना विज्ञापन निकाले, बिना कोई विशेष पैमाने को तैयार किए। आपको बता दें कि पुलिस में नौकरियां पाने वाले 20 डीएसपी 19 इंस्पेक्टर 25 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं जिन्हें नौकरियां सीधे दी गई हैं और अब मौजूदा बीजेपी सरकार ने जब मामले की जानकारी जुटाई तो 64 खिलाड़ियों की भर्ती का खुलासा हुआ। माना जा रहा है कि अब इन खिलाड़ियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि खेल विभाग की ओर से एक महीने पहले पुलिस महकमे को चिट्ठी लिखी गई जिसमें इन 64 खिलाड़ियों का नाम के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया और योग्यता के बारे में पूछा गया, लेकिन पुलिस महकमे ने इसकी कोई जानकारी खेल विभाग को नहीं दी। हालांकि सरकार ने योगेश्वर दत्त और विजेंद्र सिंह को डीएसपी बनाना उचित बताया है, उन्होंने कहा कि दोनों ने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि अगर पुलिस विभाग पत्र में मांगी गई जानकारी नहीं उपलब्ध करवाता है तो सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी से मामले की जांच करवाई जा सकती है। ऐसे में देश की आवाज में जो आज सवाल उठ रहे हैं वो यही कि बिना विज्ञापन के क्यों ये भर्तियां की गई, नियमों की अनदेखी कर खिलाड़ियों को क्यों नौकरियां दी गई, क्यों नियमों को ताक पर रखकर 64 खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई,
कैसे 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर बनाए गए? बड़ा सवाल। भर्तियों के लिए विशेष पैमाना क्यों तैयार नहीं किया गया था? और क्या इसी तरह से कांग्रेस के राज में भर्तियां होती रही हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अपनी राय दीजिए, फोन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए, अपनी आवाज उठाएं, बात रखें कि आखिर आपको क्या लगता है, क्यों इस तरह से भर्तियां दी गई, क्यों इस तरह से नौकरियां दी गई, क्यों कोई कायदे कानून को ताक पर रखा गया, यहां पर क्यों कोई कायदा कानून नहीं माना गया, क्यों सभी नियमों को ताक पर रखकर जो है नौकरियां दी गई। 64 खिलाड़ियों को जो भर्तियां दी गई उन पर सवाल उठ रहे हैं और इसमें 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर बनाए गए जिनकी भर्तियों को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। क्यों सभी नियमों को ताक पर रखकर ये भर्तियां उनको दी गई? क्यों भर्तियों के लिए कोई विशेष पैमाना तैयार नहीं किया गया था? क्या इसी तरह से कांग्रेस के राज में भर्तियां होती रही हैं? ये भी बड़ा सवाल है। क्यों बिना विज्ञापन के नौकरियां दी गई, भर्तियां दी गई? और हमारे साथ कुणाल रोहतक से फोन लाइन पर हैं। अगले दर्शक स्वागत है आपका, कुणाल बात रखिए अपनी। मैडम ये तो एक और महा घोटाला सामने आया है। इस तरह से जैसे कांग्रेस बीजेपी के कपड़े फाड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस के कपड़े फाड़ रही है, नेता लोग कर क्या रहे समझ नहीं आ रहा। जिस तरह से नौकरियों में स्कैम जब सामने आया है, ये मतलब ये धोखा है ना जनता के साथ। तो जी, और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इसका बस कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने भी फ्रॉड किया, जनता के साथ धोखा किया, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुणाल आपको क्या लगता है क्यों इस तरह से जो है नियमों को ताक पर रखकर नौकरियां दी गई होंगी? अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं मैडम, ये तो जिन लोगों ने किया है वही बता सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि लोग ऑनलाइन नौकरी की इंतजार करते रहते हैं, जैसे SSSC वेबसाइट वगैरह है, इंतजार करते रहते हैं। ये लोग पीछे से नौकरी निकालने के बजाय खुद ही पीछे से भर्ती कर देते हैं। जनता के साथ तो खिलवाड़ ही है ना ये पूरी तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल अपनी बात रखने के लिए। तो जनता के साथ खिलवाड़ है, ये कुणाल कह रहे हैं कि नौकरियां जो दी गई बिना विज्ञापन निकाले, ऐसे नौकरियां दे दी गई जो बाकी भी खिलाड़ी हैं जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि भर्ती जो है उन्हें कम से कम सरकार की ओर से दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे में सभी के साथ धोखा हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ, क्योंकि बिना किसी विज्ञापन के ही यहाँ पर 64 खिलाड़ियों को नौकरियाँ दे दी गई, जिसमें 20 DSP, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। और ऐसे में सवाल ये कि क्यों कोई विशेष पैमाना तैयार नहीं किया गया, क्या कुछ वजह रही? क्या वाकई में ये भर्ती घोटाला है जो सामने आ रहा है कांग्रेस कार्यकाल से, हुड्डा कार्यकाल से? क्या ये भर्ती घोटाला है जो सामने आ रहा है? क्यों बिना विज्ञापन की नौकरियां देने के पीछे आखिर मंशा क्या रही होगी? ये भी बड़ा सवाल है। देश की आवाज में आप हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पर अपनी बात रखिए और नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में। और देश की आवाज़ का ये मंच आप ही के लिए खुला हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करें और अपनी राय रखें, सुझाव अपने दें, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिए। और हमारे साथ पराग, हमारे दर्शक दिल्ली से फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका पराग, बात रखिए अपनी। मैम इस तरह से ये जो नौकरियां दी गई हैं वो लगता है कि सही है, क्योंकि देखो खिलाड़ी पूरे देश का लंबा समय बढ़ाता है और स्टेट का तो बढ़ाता ही है, परंतु इसलिए ना लीग से कर कुछ नौकरियां दी जाए तो वो काफी सही ही होता है, क्योंकि इससे ना बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, वो भी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि किसी के सम्मान एक पदक होता है वो एक समय के लिए होता है, उसके साथ जो सहयोग की राशि होती है वो भी एक समय की होती है, परंतु जब उसको नौकरी मिलती है तो वो पूरे आजीवन एक तरीके से समाज से जुड़ जाता है, एक तरीके से सरकार के लिए काम करता है। तो ये इस तरह की नौकरियां मिलना ठीक होती है, परंतु इस वक्त ये है कि किसी और का हक ना मारा जाए, ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नौकरियां, एक्स्ट्रा कोटा बना दिया जाए जिससे नौकरियां मिले, परंतु जो लोग सच में इसके लिए एप्लीकेबल हैं उनका अधिकार ना मरे, ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पराग अपनी बात रखने के लिए। तो फिर पराग ने जो कहा कि जो एलिजिबल है कम से कम उनका हक ना मारा जाए, ये जो है सरकार को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और पराग का कहना है कि खिलाड़ी जो है वो देश के होते हैं, खिलाड़ी जो है प्रदेश के होते हैं, खिलाड़ी देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करके आते हैं, ऐसे में उनको नौकरियां देना जो है पराग को गलत नहीं लगता है। पवन हमारे साथ रोहतक से, दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका पवन, बात रखिए अपनी। मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्लेयर मेहनत करता है उसे सरकार सम्मान दे, पैसे दे, उनको देना भी चाहिए।
लेकिन जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है कम से कम उस फील्ड का कोच बनाए ताकि और बच्चों को फायदा मिल सके। प्रशासनिक सेवा में उनका टाइम भी खराब होगा, उनका एक्सपीरियंस काम भी नहीं आएगा, मेरा सिर्फ यही कहना कम शब्दों में। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देश की आवाज़ का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करके आप हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी आवाज़ उठाएं, बात रखिए। और क्या आपको लगता है इस पूरे मामले से, जो 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा हरियाणा प्रदेश में, उस दौरान हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान में जो भर्तियाँ की गई उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नियमों की अनदेखी कर खिलाड़ियों को नौकरियाँ दी गई, 64 खिलाड़ियों को नौकरी देने के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नियमों को ताक पर रखा गया, जिसमें 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर बनाए गए, ऐसे में क्यों जो है कोई विशेष पैमाना तैयार नहीं किया गया भर्तियों के लिए, और साथ ही सवाल ये भी कि क्या इसी तरह से भर्तियां होती थी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान। आरके कालिया हमारे साथ अंबाला से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका आरके कालिया, बात रखिए अपनी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए कांग्रेस जो कर रही है वो गलत कर रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ पार्टियां ही ऐसी हैं जी, क्या भाजपा, क्या इनेलो, क्या बसपा, इन्होंने हमेशा अपनी मनमर्जी की है। हालांकि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं जी, इन्होंने हमेशा अपनी मनमर्जी की है। चिटौड़ा साहब अंदर बैठे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए जी, ये तो एक ब्लेम देने वाली बात है कि हुड्डा साहब ने ऐसे किया। अब भाजपा वाले, मुझे कहना नहीं चाहिए, जितने भी ये आरएसएस के वर्कर्स है उनको भर्ती कर रही है। नहीं, अगर हुड्डा साहब के कार्यकाल के दौरान भी ऐसा हुआ है, भर्तियों को लेकर घोटाला हुआ है, तो आप उसे गलत नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, देखिए गलत मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन ये सारे ही ऐसे, मैं तो कह रहा हूँ सारे ही ऐसे, जितने भी ये राजनेता हैं कोई भी पार्टी हो, इनका एक ही लक्ष्य है, भाई भतीजावाद बढ़ाओ और अपना वोट बैंक बढ़ाओ, अपनों को नौकरी दो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपने बात रखने के लिए आरके कालिया। तो आरके कालिया ने जिस तरह से कहा कि हर एक पार्टी के कार्यकाल में ऐसा ही होता रहा है, चाहे मौजूदा सरकार का कार्यकाल हो, इस दौरान भी ऐसा हो रहा है, हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान भी ऐसा हुआ, और साथ ही इससे पहले भी जब इनेलो की सरकार थी तब भी ऐसे ही हुआ। तो किसी भी एक सरकार को लेकर सवाल उठाना जो है वो नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि लगभग हर एक पार्टी की सरकार के दौरान ही इस तरह से भर्तियों को लेकर जो है गड़बड़ियां हो रही हैं। ये आरके काले ने कहा, आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले पर, आप जरूर फोन कीजिए, लगातार नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी आवाज उठाएं, बात रखें, देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए है, और ऐसे में आप जुड़कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है क्यों जो है सभी नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जो है इस तरह से भर्तियां की गई हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान। साथ ही सवाल ये भी कि क्या इसी तरह से नौकरियां जो है वो दी जाती थी, क्या इसी तरह से भर्तियां की जाती थी हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान में। आप हमारे साथ जुड़िए, देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला हुआ है, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी आवाज उठाएं, बात रखें। कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं, कोई सुझाव अपने देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकाल के जो 10 साल का हुड्डा सरकार का कार्यकाल रहा उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को जो नौकरियां दी गई हुड्डा कार्यकाल के दौरान में, वो नौकरियां पारदर्शी तरीके से नहीं दी गई, उन नौकरियों में गड़बड़ियां जो है वो सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बिना विज्ञापन के जो है नौकरियां दी गई और साथ ही नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर ये नौकरियां दी गई। 64 ऐसे खिलाड़ियों के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिन्हें 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर जो है जिनमें से बनाए गए थे, और ऐसे में कहा जा रहा है कि भर्तियों के लिए कोई विशेष पैमाना तैयार नहीं किया गया था इन्हें नौकरी देने से पहले। और सवाल ये कि क्या इसी तरह से कांग्रेस के राज में भर्तियाँ होती रही हैं। तो क्यों नियमों की अनदेखी की गई, क्यों नियमों को ताक पर रखकर 64 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई, हालांकि इसमें योगेश्वर दत्त और विजेंद्र सिंह के को जो नौकरी दी गई उसको सही माना जा रहा है, उनको डीएसपी बनाए जाने को सही माना जा रहा है, क्योंकि वो ओलंपिक मेडल जो है देश के लिए लेकर आए। महेंद्र हमारे साथ रोहतक से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका महेंद्र, बात रखिए अपनी। मैम ये जो 3.5 साल के बाद ये इन्होंने ये भर्ती स्कैंडल उठाया,
ये तो पहले बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। क्या इनको इस मौजूदा सरकार को अभी पता लग गया इस मामले में? जी बहुत शुक्रिया महेंद्र अपनी बात रखने के लिए। सही सवाल महेंद्र ने उठाया है कि क्यों 3.5 सरकार साल के कार्यकाल के बाद में इस तरह से ये सवाल अब उठाया गया है, क्या मौजूदा सरकार को अब जाकर इस भर्ती घोटाले की जानकारी मिली है, क्यों पहले ही फाइलें सभी चेक नहीं की गई और क्यों इस मामले को पहले ही नहीं उठाया गया और साथ ही जो जायज खिलाड़ी थे जिनको वाकई में नौकरी मिलनी चाहिए थी क्यों उनको नहीं दे दी गई। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करें, हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी आवाज उठाएं, बात रखें और आप हमें बता सकते हैं आपको क्या नजर आ रहा है, क्यों जो है इस तरह से सभी नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर हुड्डा सरकार के कार्यकाल में नौकरी दी गई। आखिर आपको क्या कुछ नजर आ रहा है, क्यों ऐसे मंसूबे जो है आपको क्या लगता है क्या मंसूबे थे जो बिना विज्ञापन के ही भर्तियां की गई, बिना विज्ञापन के ही नौकरी दी गई खिलाड़ियों को, और ऐसे 64 खिलाड़ियों के नाम जो है अब सामने आ रहे हैं, 64 खिलाड़ियों को जो भर्ती दी गई उस पर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से 20 DSP साथ ही 19 इंस्पेक्टर और 25 सब इंस्पेक्टर बनाए गए, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बिना किसी विशेष पैमाने को तैयार किए ये नौकरियां दी गई। अरविंद हमारे साथ अगले दर्शक पंचकुला से फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका अरविंद, बात रखिए अपनी। हेलो जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार को जब पता चला, सरकार ने इसको मामले को उठा दिया जिसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है। ये जो भी घोटाला हुआ है ये तो हुड्डा सरकार में हुआ ना जी, कांग्रेस गवर्नमेंट में जी। तो अगर जो भी मेरे तो जब भी ये सामने आया है, सरकार ने इसकी पोल खोल दी थी पुरानी जो सरकार ने घोटाले किए थे। और मैं, हाँ जी, बहुत शुक्रिया अरविंद अपनी बात रखने के लिए। तो अरविंद ने कहा कि जब सरकार की जानकारी में आया, जब सरकार को पता चला तो उसकी पोल खोल दी गई कि इस तरह से भर्ती घोटाला जो है हुआ है। हालांकि इससे पहले जो हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े उन्होंने कहा कि क्यों 3.5 साल के कार्यकाल के बाद में सरकार अब जागी है, क्यों अब जाकर जो है इस तरह से भर्ती घोटाले की जानकारी जो है वो उजागर की जा रही है, पहले ही सरकार को क्यों जानकारी नहीं मिल गई थी इसके बारे में, क्यों पहले जो है छानबीन नहीं की गई थी। इसको लेकर अरविंद का कहना है कि सरकार की जानकारी में जब ये मामला आया तो सरकार की ओर से अब इसको उजागर किया जा रहा है कि इस तरह से भर्तियों में गड़बड़ियां हुई थी। आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पर ज्यादा से ज्यादा फोन करें, हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी आवाज उठाएं, बात रखें और बताएं आपको क्या कुछ नजर आता है इस पूरे मामले को लेकर। और आप जुड़ सकते हैं, देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला हुआ है। तो सवाल यह कि क्यों हुड्डा कार्यकाल के दौरान बिना विज्ञापन के ही नौकरियां दी गई। रोहतक से रमेश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका रमेश, बात रखिए अपनी। जी जी आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, बहुत शुक्रिया रमेश, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शक हमें कॉल कीजिए, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला हुआ है। आप हमें ज्यादा से ज्यादा फोन करके बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, क्यों नियमों की अनदेखी कर जो है भर्तियां की गई हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान में, और साथ ही क्यों जो है बिना विज्ञापन के नौकरियां दी गई, क्या मंसूबे थे उस वक्त की सरकार के। 64 भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, जो 64 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बिना विज्ञापन के ही, क्यों विशेष पैमाना तैयार किए ही नौकरी जो है देने का काम किया गया था। सुनील हमारे साथ भिवानी से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका सुनील, बात रखिए अपनी। चलिए संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास आप कीजिए। तो आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फोन करें, हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में और बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, क्यों जो है बिना कोई विशेष पैमाना तैयार किए नौकरियां दी गई, भर्तियां की गई, क्या कुछ मंसूबे हो सकते हैं, क्या आपको नजर आता है, क्या इसी तरह से कांग्रेस के राज में भर्तियां होती थी, ये भी बड़ा सवाल है जो अब उठ रहा है।
तो 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान, हुड्डा कार्यकाल के दौरान जो भर्तियां दी गई खिलाड़ियों को, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर ये नौकरी दी गई। 64 खिलाड़ियों की नौकरी पर जो है सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से 20 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर बनाए गए थे, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई विशेष पैमाना तैयार किया गया था इनको ये पद देने से पहले। जयन गहलोत तो हमारे साथ रोहतक से अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका जयन गहलोत, तो बात रखिए अपनी। जी मैडम, अच्छा मैडम, जो भी भर्तियां होती है ना गवर्नमेंट की, सबसे पहले रूल बनते हैं। रूल बन के ये स्पोर्ट्स पुलिस में एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि स्पोर्ट्स को प्रमोशन देने के लिए उन्होंने पोस्ट डिसाइड करी कि इतना कोटा पुलिस में हमने स्पोर्ट्स मैन को रखना है। जी, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उनको भर्ती किया गया। जी, ये इसमें कोई ऐसी इरेगुलरिटी नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को 3% कोटा स्पोर्ट्स का हर डिपार्टमेंट उसमें हर भर्ती में है। यदि इन्होंने 3% से ज्यादा स्पोर्ट्स की जगह यदि किसी दूसरे और को लगाते हैं तो वो है वायलेशन, कि स्पोर्ट्स वाले को ही लगाते हैं, स्पोर्ट्स के कोटे में लगाते हैं। जी, तो ये आज से नहीं है, ये कम से कम मैं 35 साल तो मैं सरकार में रहा हूँ, हर सरकार में जब भी कोई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मैन आता है नौकरियां दी गई है। हुड्डा के टाइम में, बंसीलाल के टाइम में भी हुए, भजनलाल के टाइम में, थोड़ा भजनलाल के वायलेशन नहीं हुई थी, उसने एक पर्टिकुलर कास्ट को दी थी। जी, बाकी अब तक लगभग सारी सरकारों में ये प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स में को दिया जाता है। यानी आप कहते हैं कि जो नौकरी दी गई थी इट इज 100% जस्टिफाइड, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं। रेगुलरिटी जब आएगी, जब दूसरे जो जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट या रिजर्व के अगेंस्ट किसी स्पोर्ट्समैन को दे दें किसी का हक बार के, वो वायलेशन है। जी, लेकिन बिना बिना विज्ञापन जारी किए ये नौकरी भर्ती, विज्ञापन तो ये होता है कि जब ये जैसे आते हैं ना, जैसे पॉलिटिकली डिक्लेयर करते हैं तो ये बैटल जीत के लाएगा, उसको ये बनाएंगे। जी, वो एक स्कीम कैबिनेट अप्रूव करती है, एक ये सीएम की डिस्क्रिप्शन नहीं होती, कैबिनेट में गवर्नमेंट में अप्रूव होता है। जी, उसका नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद यह भर्ती है, उसके बाद उसमें भर्ती करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जयन गहलोत जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो जयन गहलोत जो हमारे दर्शक जुड़े फोन लाइन पर, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नौकरियां जो दी गई थी वो सही दी गई हैं, इसमें कोई खामी नहीं है, 3% जो है नौकरी देने का प्रावधान है जो दी गई। रमेश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका रमेश, बात रखिए अपनी। हेलो जी रमेश, बात रखिए अपनी। हाँ जी, मैं कह रहा था जी, ये जो भर्तियां हो रही है ये जरूरी नहीं है उसको डीएसपी बना जाए, और मैक में भी है, मास्टरी में लगाओ, हरियाणा और मैं फौज में दो गजटेड अफसर बना दो, सीधा गजटेड अफसर, ना को टेस्ट है ना कुछ है, सिर्फ खिलाड़ी हो गया, कुश्ती जीत ली वो डीएसपी बन गया। जी, कल आईपीएस भी बनना, नॉलेज है नहीं जी, आईपीएस बन जाएगा, उसका ज्ञान भी तो होना चाहिए, ये सब कुश्ती थोड़ा हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया रमेश अपनी बात रखने के लिए। तो ज्ञान कम से कम होना चाहिए, इस तरह से सीधे खिलाड़ियों को गजटेड ऑफिसर का पद जो है दे देना रमेश को सही नहीं लगता है। तो देश की आवाज में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक, नमस्कार। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।